कुछ रैंडम सवाल चूज करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एकदम छोटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है, अब यहाँ पर मान लीजिए बैटरी लगी हुई है, ये मान लीजिए 2 माइक्रोफेरेट, 3 माइक्रोफेरेट और 6 माइक्रोफेरेट का है। अब ये देखने में ही लग रहा है कि सीरीज में है, एक के बाद एक लगा हुआ है, तो ये सीरीज कम्बिनेशन हुआ है। तो इसको हम लोग सीरीज का फार्मूला लगाएंगे। सीरीज का फार्मूला क्या है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसको ऐड कर दीजिए, 6 हो जाएगा एलसीएम। 3 प्लस 2 प्लस 1, तो आ गया हमारा 6/6, ये हो गया हमारा 1 माइक्रो फैरड। तो यहाँ पर कई बार गलती हो जाता है, ये इसको ध्यान नहीं दिया जाता है, 1/C इज इक्वल टू आया है हमारा 1, तो हालांकि यहाँ पर भी C इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरड। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये उसी वही सवाल है, लेकिन हम लोग इसको पैरेलल में जोड़े हुए हैं। इस तरह से दो पॉइंट है ए और बी, अगर यहाँ पर इस तरह से बैटरी लगाया हुआ है या फिर ऐसे ही ए और बी लिखा हुआ है, एक ही मतलब है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, 2 माइक्रोफेरेट, 3 माइक्रोफेरेट, 6 माइक्रोफेरेट। तो तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। कैसे पता चलता है कि पैरेलल में है कि सीरीज में? ए से जब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये तीन वायर यहाँ से निकले हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पैरेलल में हैं। तीन अलग अलग वायर हैं, यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में तीन अलग अलग वायर हैं, इसका मतलब ये तीनों पैरेलल में हैं। और सीरीज कैसे पहचानेंगे, इसमें एक ही वायर होता है, जैसे यहाँ पर एक ही वायर है, तो एक ही वायर में ही तीनों लगे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ और यहाँ, ये दो पॉइंट के बीच में, ये तीनों सीरीज में हैं और इसी में हमको निकालना है। तो पैरेलल का फार्मूला हमारा क्या है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बस इसको अप्लाई करना है, वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 6 6 9 2 11 माइक्रोफेरेट, तो ये हो गया हमारा 11 माइक्रोफेरेट आंसर। अब हम लोग थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ये नया प्रॉब्लम है हमारे पास, 2 माइक्रोफेरेट, 4 माइक्रोफेरेट, इस तरह से ये 3 माइक्रोफेरेट, 2 माइक्रोफेरेट। तो इस तरह के ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सर्किट को छोटा करते हैं जहाँ से भी हमको मौका मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ से चलते हैं, तो ये इसके ठीक बाद ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में सीरीज में हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे, इनके जगह पर हम एक वैल्यू निकालेंगे। तो जब ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हुआ, 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 हो जाएगा एलसीएम, 2 प्लस 1, मतलब ये आ जाएगा पूरा 3/4, ये 1/C इज इक्वल टू, तो C इज इक्वल टू 4/3 माइक्रो फैरड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग इसको, इस सर्किट को फिर से बनाएंगे, दोबारा ड्रा करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के जगह पे, इन दोनों के जगह पे एक कैपेसिटर लगाएंगे और उसकी वैल्यू होगी 4/3 माइक्रो फैरड। नीचे वाला वैसे ही रखेंगे और उसके नीचे वाला भी वैसे ही रखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों पैरेलल में हैं, तो बस इनके लिए पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो C इज इक्वल टू 4/3 प्लस 3 प्लस 2, तो 4/3 प्लस 5, तो हो गया हमारा 15 4 19 19/3 माइक्रो फैरड।